यामा की MT-15 और यामा की वर्जन 3 R15 जो है उसमें कुछ हिडन फीचर्स हैं में डिस्प्ले में, जो हाई बॉडीज जैसे ऑन करते हैं वो ना हम एडिट कर सकते हैं। बाकी इसका जो स्क्रीन की ब्राइटनेस, जो RPM लाइट है, इसको भी अपन ब्राइट को बढ़ा और कम कर सकते हैं। तो वो वीडियो इसी पर होने वाला है अभी। तो इसका ये वीडियो जो है उसमें जो नाम है उसको एडिट करेंगे अपन, तो देखेंगे वो किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हम अपन जो इसमें रीसेट का बटन है उसको दबा के की ऑन करेंगे। ये अभी रीसेट पे आ गए, जो टिप टिप कर रहे हैं यहाँ पे, तो 6 डिजिट में होएगा यहाँ पर एडिट। जो इससे अल्फाबेट चेंज हो जाएंगे, कुछ अल्फाबेट्स हैं जो अपन रीसेट में यूँ कर सकते हैं, जो डैश नंबर की, या फिर जो है अपन रीसेट को ना थोड़ा यूँ प्रेस करके होल्ड करेंगे तो ये आगे ट्रांसफ़र होता जाएगा आगे वाले डिजिट में। अभी ओके कर देते हैं इसको, तो मीटर कुछ इस तरीके का आ जाता है। जैसे अपन एडिट करके कंप्लीट करके ओके करते हैं तो मीटर बंद होके चालू होता है। तो इसमें कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी प्रोसेस नहीं है। रीसेट को दबाओ, की ऑन करो, इसमें वो चीज़ आ जाएगी जो नाम अपन को बडीज वाला एडिट करना है वो। फिर इसको अप डाउन जो अल्फाबेट है उसको इससे सेलेक्ट से कर सकते हैं अपन। बाकी रीसेट पे उसको नंबरिक में करना है या डैश में, कोई फुल स्टॉप देना है, कुछ उस टाइप का जो सिंबल्स होते हैं वो देने हैं, रीसेट से होंगे। बाकी अगर आगे वाले डिजिट को एडिट करना है तो उसके लिए अपन थोड़ा सा रीसेट को होल्ड करके रखेंगे इसको, और फिर जैसे जैसे करके वो 6 डिजिट अपन कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद अपन ओके कर देंगे रीसेट से, और फिर डिस्प्ले बंद हो के चालू होएगा और वो आपका ना एडिट हो जाएगा और इसमें शो होने लग जाएगा। अभी जैसे देख सकते हो तो भाई, जैसी अपडेट्स और बाकी बाइक से रिलेटेड अपडेट्स के लिए और व्लॉगिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।